जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, PCS प्री 2024 की परीक्षा जो लगातार संदेह के घेरे में थी कि परीक्षा किस दिन होगी, कौन सा डेट होगा, कब होगा, ये परीक्षा जो 27 अक्टूबर को प्रस्तावित था इसे स्थगित कर दिया गया। आप देख सकते हैं 16 अक्टूबर 2024 आज का ये नोटिस है, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि 27 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाली जो PCS प्री की परीक्षा थी इसे स्थगित कर दी गई है, और आगे ये परीक्षा किस दिन होगी ये जल्द ही विज्ञप्ति के माध्यम से स्टूडेंट्स को बताया जाएगा। तो अभी हाल के लिए ये जो एग्जाम है ये 27 अक्टूबर को नहीं होने वाला है, अभी एग्जाम 7 दिसंबर को होगा या 8 दिसंबर को होगा या किसी अन्य तारीख को होगा, ये आगे नए विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, परीक्षा चाहे जब हो ठीक है, वो अपनी जगह, आप जिस तरीके से अभी तक आपने अपना प्रयास जारी रखा है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की स्थिति ना बने, उसे लगातार ट्वीट करते रहिएगा, क्योंकि एक नोटिस के अनुसार 18 अक्टूबर को सचिव की मीटिंग होने वाली है जिसमें ये स्पष्ट किया जाएगा कि PCS का एग्जाम किस प्रकार से होना है। तो चलिए, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।